लेकिन बदमजा होती नहीं। बासी हो जाती है लेकिन बदमजा होती नहीं। हो अगर सामना दुश्मन से तो क्या ले जाए, छोड़कर माँ बाप को ससुराल में रहने लगे। मुफलिसी की धूप में भी घर के छप्पर थे अजीज, आ गई दौलत तो नैनीताल में रहने लगे। की दीवार में दर लगता है।
लगता है पाँव फैलाऊं मैं कैसे मेरी माँ के आगे, ये पाँव फैलाऊं मैं कैसे मेरी माँ के आगे, मुझको कुरान की तौहीद का डर लगता है। अशकों का गौहर लगता है तब कहीं काबे की दीवार में दर लगता है, ये पाँव फैलाऊं मैं कैसे मेरी माँ के आगे, मुझको कुरान की तौहीद का डर लगता है। करो और ये है तौहीन इबादत, कभी ऐसा ना करो, ये है तौहीन इबादत, कभी ऐसा ना करो। जिस जगह दिल ना झुके, जिस जगह दिल ना कहे तुम वहां सजदा ना करो, ये है तौहीन इबादत, कभी ऐसा ना करो। अरे वक्त ने तुमको नवाजा है तो अपने आपे में रहो, वक्त ने तुमको नवाजा है तो अपने आपे में रहो, अपने अंजाम को फिरौन के जैसा ना करो।
पेश कर रही हूँ अंदाज, सब होगा इसमें, सब मिक्स होगा। और जो जिंदगी में काम आता है वो बातें इसमें, जो हमारी जिंदगी को चाहिए, ये शेर नहीं है, हकीकत है जिंदगी की। वो अगर सामना दुश्मन से तो क्या ले जाए, कामयाबी के लिए माँ की दुआ ले जाए। तो सुना समाज फरमाए मिश्रा शेर, जिसको शोहरत की बुलंदी पे पहुंचना हो अगर, जखीरे माल और दौलत के तुझे राहत नहीं देंगे, इन फकीरों की दुआ ले जा सफर में काम आएगी। फकीरों की दुआ ले जा सफर में काम आएगी, इज्जत के साथ साथ में रुसवाइयां भी देख, ये भीड़ और ये भीड़ की तन्हाइयां भी देख, ऊंचाई आसमान की तू देखता है क्या, गर्दन झुका के कब्र की गहराइयां भी देख। बद्दुआ से बच जाता, तू अपनी माँ की अगर बद्दुआ से बच जाता, तेरा शराब यकीनन हवा से बच जाता। अगर गुनाह का मौका गवा दिया होता तो तू जमीर की शर्मिंदगी से बच जाता। दे रही हूं अंसार भाई, धुएं को अबर और धुएं को अबर और गम को मसरत करते रहते हैं, कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते।
सब्र और गम को मसरत करते रहते हैं। कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। धुएं को आप और गम को मसरत करते रहते हैं। कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। अरे हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है, हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है। हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। परवीन रंगीली करती है कि कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, कोई मेरी भाई कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता है। जब तक तू मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता, कि बहन हो भाई हो बेटा हो बीवी वही हो या महबूबा, बहन हो भाई हो बेटा हो बीवी हो या महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। पढ़ने की फरमाइश है। सुभान अल्लाह भाई, कमाल है भाई, वाह 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 वाह, सारी मेहनत वसूल हो गई मेरी मेहनत। ऐसे भी लोग हैं कि मिल्कियत अपने बाप दादा की, मिल्कियत अपने बाप दादा की अपनी बीवी के नाम करता है। ये मैं ही कहती हूँ, मिल्कियत माशाल्लाह। यूट्यूब से सब जाएंगे, ये आप लोगों की तरफ आ जाएंगे, हम फिर ढूंढेंगे। क्योंकि आजकल तो बहुत आसान हो गया ना यूट्यूब, हमारे जमाने में तो यूट्यूब इंस्टाग्राम और ये सब था ही नहीं। खुद कुआं खोदो और पानी पियो, खुद मेहनत करो और बनाओ। आजकल तो बना बनाया मिलता है भाई, फट 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 फट, किसने क्या लिखा, ये गा लो, ये पढ़ लो, ये कह लो। अल्लाह बस सलामत रखे।
कि मिल्कियत अपने बाप दादा की अपनी बीवी के नाम करता है, और माँ को धुतकारने वाला बेटा। अल्लाह का एहसान है कि कितने सालों पहले मेरे यूट्यूब पे है ये, बहती है प्रेम की गंगा, किसी जादू से किसी मंदिर सब शुरू हो गए भाई। अब मैं सोचती हूँ पढ़ो भाई, मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान। चलो ठीक है कि मिल्कियत अपने बाप दादा की, ये तो सब गवाह बैठे हैं भाई, अपनी बीवी के नाम करता है माँ को धुतकारने वाला बेटा, सास का एहतराम करता है, माँ को धुतकारने वाला बेटा सास का एहतराम करता है। भाई ये मेरी गजल ही है पूरी, डबल करना है, तुम तो नहीं करता ऐसा, बहुत मार खाएगा वाला, तुम ऐसा नहीं करता है ना, बहुत मार खाएगा। ये मिल्कियत अपने बाप दादा की, मिल्कियत अपने बाप दादा की अपनी बीवी के नाम करता है, और माँ को धुतकारने वाला बेटा सास का एहतराम करता है। अब ये सुने आप कि किसी का प्यार मुझे जब से रास आया है, अंसार भाई, किसी का प्यार मुझे जब से रास आया है, मेरा वजूद ही मेरे लिए पराया है, मेरा वजूद ही मेरे लिए पराया है। वो जिसकी आंख में आंसू की एक बूंद नहीं, उसे जमाने ने शायद बहुत रुलाया है। वो जिसकी आंख में, भाई वो नहीं पढ़ूंगी, ये पढ़ रही हूँ, पूरी गजल पढ़नी पड़ेगी। वो जिसकी आंख में आंसू की एक बूंद नहीं, उसे जमाने ने शायद बहुत रुलाया है। मैं उसके ये शेर सुन लो, बस इस शेर के लिए पढ़ा मैंने ये। अरे मेरे रफीक भाई, जान लोगे क्या बच्चे की, कि मैं क्यों पढ़े मैंने अंसार भाई, क्योंकि एक शख्सियत यहाँ सब बैठे माँ के चाहने वाले, कि वो जिसकी आंख में आंसू की एक बूंद नहीं, उसे जमाने ने शायद बहुत रुलाया है। मैं उसको कत्ल भी कर देती छीन के खंजर, मैं उसको कत्ल तो कर देती छीन के, मैं उसको जमाने ने शायद बहुत रुलाया है, मैं उसको कत्ल तो कर देती छीन कर खंजर, मगर वो साथ में माँ की दुआ भी लाया है। मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता है, जब तक तू मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो या महबूबा,
बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो या महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। कहां समझते हैं वो जिंदगी की हकीकत कहां? वो जिंदगी की हकीकत कहां समझते हैं? वो जिंदगी की हकीकत कहां समझते हैं? सितारे चांद की कीमत कहां समझते हैं? वो जिंदगी की हकीकत कहां समझते हैं? सितारे चांद की कीमत कहां समझते हैं? सब अपनी अपनी जरूरत बताते रहते हैं, ये बच्चे माँ की जरूरत कहां समझते हैं? कड़ी हो कोई परवाह, डोंट केयर, डोंट वरी, धूप कितनी ही कड़ी हो कोई, अरे इंग्लिश तो समझते हो, कोई परवाह, डोंट वरी बी हैप्पी, कोई परवाह ही नहीं। बाप का सर पे हो साया तो शजर लगता है। क्या बात है, बाप का सर पे हो साया तो शजर लगता है। देखो तेवर, देखो शेर के, धूप कितनी ही कड़ी हो कोई परवाह नहीं, बाप का सर पे हो साया तो शजर लगता है। जिसके आंगन में नहीं होती है माँ की खुशबू, वो अगर ताजमहल भी हो तो खंडर लगता है।
बला आज भी देती है ये आवाज जहीर। मेरी मिट्टी से कोई बुए वफा ले बात क्या रहता है माँ के आगे कि मौत की गोद में कुरान की तिलावत की है, मौत की गोद में कुरान की, मौत की गोद में कुरान कुरान की तिलावत की है, हमने हर हाल में ईमान की हिफाजत की है। अरे सामने माँ थी तो हर पल यही एहसास रहा, सामने माँ थी तो हर पल यही एहसास रहा, घर में रहते हुए जन्नत की ज़ियारत की है। ये हकीकत है कि भाई बहुत अब भी आंखें भर आई है उनकी, भी वालदा को माशाल्लाह उन्हीं की दुआएं उनकी माँ की, अल्लाह ऐसे सलामत रखे वो जहां भी हो, करम करे अल्लाह उन पर।